Hi everyone, how are you guys? क्या चल रहा है? बात कर रहे थे जेम स्टोन्स के बारे में। तो एक जेम स्टोन है जिसे हम कहते हैं डायमंड, डायमंड यानी हीरा। हीरा एक्चुअली बहुत फेमस जेम स्टोन है। बड़े बड़े जितने भी राजा महाराजा प्रिंसेस प्रिंस जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर डायमंड को प्रेफर करते थे। एक्चुअली जो डायमंड है उसका संबंध शुक्र से है। शुक्र जो प्लेनेट है उसका संबंध डायमंड से है। डायमंड का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। शुक्र यानी शुक्राचार्य, गुरु ऑफ असुरास। जो शुक्राचार्य थे वो असुरों के गुरु थे। इसलिए शुक्र के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान को वेल्थी बनाती है। लाइफ की जितनी भी फन से संबंधित एक्टिविटीज होती हैं वो सारे शुक्र के कंट्रोल में। अगर शुक्र ना हो तो हर इंसान गरीब हो जाए। शुक्र ना हो तो एक दूसरे के लिए अटैचमेंट ना रहे। शुक्र ना हो तो प्यार ना हो। शुक्र ना हो तो ब्यूटी ना हो। शुक्र हमारी लाइफ में बैलेंस, पीस, हार्मनी, लव, रिलेशन, सेंसुअल प्लेजर, गर्ल वाइफ, आर्ट, ब्यूटी, पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, फिल्म, लग्जरी, वेल्थ, ब्यूटी एंड चार्म को लेकर आता है। तो अगर आप डायमंड पहनते हैं तो इन चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलता है जो सुख से संबंधित है। बट ये जरूरी नहीं है कि आप डायमंड पहनेंगे तो ये चीजें आपको मिल ही जाएंगी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, सर्टेन एसेंडेंट्स के हिसाब से कुछ एसेंडेंट्स ऐसे हैं अगर आप उसमें डायमंड पहनते हो तो आपका बहुत लॉस हो सकता है। हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए। हो सकता है कि किसी कोई बीमारी आपको लग जाए, कोई बहुत बड़ा आपको लॉस हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप डायमंड पहनेंगे तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो चीज़ें आपको मिली जाएंगी। तो कुछ सर्टेन लोग हैं, कुछ ऐसे एसेंडेंट वाले लोग हैं जो आपके डायमंड या हीरा को यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे आपका टॉरस और लिब्रा राशि है, और आपकी जेमिनी हो गया, वर्गो हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, एक्वेरियस हो गया। तो ऐसी जिनकी राशियाँ हैं वो लोग डायमंड को पहन सकते हैं। बट कुछ एसेंडेंट और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको डायमंड बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, और कुछ एसेंडेंट कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको डायमंड पहनना तो चाहिए लेकिन एक सर्टेन टाइम के अनुसार, एक सर्टेन पीरियड के अनुसार और पोजीशन के अनुसार। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे एरीज एसेंडेंट है, मान लो एरीज एसेंडेंट, मान लो एरीज राशि मान लो, तो एरीज एसेंडेंट में जो शुक्र है वो सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस का लॉर्ड है। दोनों जो हाउस हैं, सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस, ये डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस, सेकंड हाउस जो है वो आपके सेवंथ हाउस से एट्थ हाउस है, ठीक है ना, और जो सेवंथ हाउस है वो आपके एट्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस है। तो ये दोनों डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो एरीज एसेंडेंट है उसमें अगर शुक्र आपके मान लो सिक्स हाउस में बैठा है तो शुक्र नीच का हो जाएगा। तो अगर शुक्र से संबंधित अगर आप स्टोन पहनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। कोई आपको बीमारी पड़ सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका डाइवोर्स हो सकता है, कोर्ट केस चल सकता है आपके ऊपर,
ठीक है ना। और हो सकता है कि आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे झगड़ा कर ले, कोई कोर्ट में आपके खिलाफ कोई केस डाल दे, हो सकता है कोई आपको बीमारी हो जाए, जैसे स्टोन से संबंधित कोई बीमारी हो गई, कोई पर्सनल डिजीज हो गई, ये सारी बीमारी आपको हो सकती है। 8th हाउस में अगर शुक्र है तो हो सकता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसका सडनली कुछ उसके साथ ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव चीज हो जाए, जैसे कोई एक्सीडेंट होना, कोई ऑपरेशन हो जाना, चोट लग जाना, कोई लॉस हो जाना, और आपका फैमिली से संबंधित, फैमिली का लॉस हो सकता है, वेल्थ का लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर इसमें अगर आप, और ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जैसे शुक्र को देखते हैं कि एरीज एसेंडेंट में अगर शुक्र 12th हाउस में है तो कहते हैं कि हमारा शुक्र तो मुझका है, तो हम शुक्र की चीज़ें अगर पहनेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, और ज़्यादा वेल्थ आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 2 मैलेफिक हाउसेस का लॉर्ड है, 2nd हाउस और 7th हाउस। चाहे वो उच्च का सही से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को अगर यूज़ करते हो, अगर आप पहनते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। वैसे ही एक राशि है आपकी कैंसर, कैंसर राशि और कैंसर एसेंडेंट। तो कैंसर राशि के लिए जो शुक्र है वो एक प्रकार का एनिमी है, शत्रु है, ठीक है ना। हालांकि कैंसर का संबंध ब्यूटी से है, शुक्र का संबंध भी लग्जरी और कहीं ना कहीं ब्यूटी से है, लेकिन ये दोनों आपस में शत्रु हैं। तो कैंसर एसेंडेंट में अगर आप शुक्र की पोजिशन को देखते हैं, तो शुक्र कैंसर एसेंडेंट में आपके 4th हाउस वेल्थ, हैप्पीनेस, होम, लैंड, और 11th हाउस यानी इनकमिंग गेम्स, नेटवर्क सर्कल, इन 2 घरों का लॉर्ड है, ठीक है ना। अगर ये मान लो शुक्र आपके 6th हाउस में बैठा है, तो अगर इस पीरियड में अगर आप वो पहन लेते हो या उसकी दशा चल जाती है शुक्र की और आपने डायमंड पहन रखा है, तो प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा, प्रॉपर्टी को लेके कोई कोर्ट केस चलेगा, हो सकता है आपकी मदर को कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, ठीक है ना, तो इसमें आप नहीं पहन सकते हैं। और अगर शुक्र मान लो आपके 8th हाउस में है, तो एकदम सडन घर को लेके या लैंड को लेके कोई ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपका घर डैमेज हो जाए, हो सकता है कि किसी गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि 4th हाउस का संबंध गाड़ी से भी है और 8th हाउस का संबंध एक्सीडेंट से है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपकी मदर का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऑपरेशन हो जाए उनका, अगर आप स्टोन को पहनते हैं। तो अगर इसमें आपको स्टोन को अगर पहनना है, तो आप एक पीरियड में पहन सकते हैं कि जब शुक्र की दशा चल रही हो और शुक्र 4th हाउस में या 11th हाउस में ही बैठा हो। कैंसर एसेंडेंट में अगर शुक्र की दशा चल रही है, ठीक है ना, जैसे मेन पीरियड होता है इसका, महादशा जो होती है, या अंतर दशा जब शुक्र की चलती है, तो शुक्र की पोजीशन कुंडली के 4th हाउस में होनी चाहिए, यानी लियो आपका लिब्रा के ऊपर, और आपके 11th हाउस में होनी चाहिए यानी टॉरस के ऊपर। तो अगर इन दोनों हाउसेज में अगर शुक्र बैठा हुआ है, तो आपको मॉनेटरी गेन करवाता है, आपको प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को फायदा देगा। अदरवाइज शुक्र अगर इधर उधर कहीं भी बैठा है कैंसर रेसिडेंट में, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को ना पहने, वरना आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। फिर एक और एसेंडेंट है लियो एसेंडेंट। लियो एसेंडेंट में आप स्टोन जब भी पहन सकते हैं जब शुक्र 10th हाउस में टॉरस राशि में बैठा हो और शुक्र की महादशा चल रही हो, तब लियो एसेंडेंट वालों को शुक्र से संबंधित चीज़ों को लेकर फायदा हो सकता है। उनकी पोजिशन अपलिफ्ट हो सकती है, उनका जो जो भी उनका जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ आ सकती है, ठीक है ना, स्टेटस उनका बिल्ड हो सकता है, बढ़ सकता है, और जो भी उनकी पोजीशन है उसमें एक उछाल आ सकता है शुक्र के कारण, ठीक है। बट अगर शुक्र मान लो आपके 6th हाउस में है, आपका शुक्र मान लो आपका 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो शुक्र से संबंधित जो शुक्र का स्टोन आप पहन नहीं सकते, क्योंकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। क्योंकि लियो असेंडेंट में जो शुक्र है वो आपके 3rd हाउस का भी लॉर्ड है, अगर 10th हाउस का लॉर्ड है तो 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो 3rd हाउस जो है उसको एक प्रकार का मैलेफिक हाउस माना जाता है। 3rd हाउस जो है वो डेथ इन्फ्लेक्टिंग हाउस है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि क्योंकि वो 8th हाउस है, 8th हाउस है, 8th हाउस का मतलब है सडन एक्सीडेंट, सडन इवेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, तो 8th से अगर 8th है तो उसका भी वही चक्कर रहता है, कोई भी चीज़ अचानक से सडनली हो जाना, ठीक है। फोर्थ जो एसेंडेंट है वो है आपका स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो में जो शुक्र है वो आपके 12th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड हो गया, तो ये तो बहुत ज्यादा ही मैलिफिक हो गया, क्योंकि 12th हाउस हो गया आपका लॉस और 7th हाउस हो गया आपका डेथ, क्योंकि जो 7th हाउस है वो 8th हाउस का 12th हाउस है, यानी 8th हाउस का लॉस,
लॉन्जिविटी का लॉस। तो सेवंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पर शुक्र हो गया, ठीक है ना। तो शुक्र से संबंधित यहाँ स्टोन आप बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हो, क्योंकि ये जो आपका एसेंडेंट है, जो लगन है, मंगल का बहुत बड़ा शत्रु है शुक्र। अगर शुक्र इसमें सिक्स हाउस में बैठा है, एट हाउस में बैठा है और ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, या कहीं भी बैठा है तो शुक्र से संबंधित स्टोन आपको इसमें नहीं पहनना है। फिर पांचवा जो एसेंडेंट है वो आपका सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस में जो शुक्र है वो आपके सिक्स हाउस यानी एनिमी, डिजीज, डेब्ट्स, फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट, डाइवोर्स, सिक्स हाउस का लॉर्ड है और आपके इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, ठीक है ना। तो सिक्स हाउस का लॉर्ड होने के कारण अगर आप सेजिटेरियस, अगर एसेंडेंट में अगर आप डायमंड पहनते हो, तो हो सकता है कि कोई आपको बीमारी लग जाए, हो सकता है कोई कोर्ट केस हो जाए, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है ना, चोट वोट लग जाए, डाइवोर्स हो जाए आपका, ठीक है, झगड़े हो जाए आपके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी शुक्र से संबंधित स्टोन नहीं पहनना, चाहे शुक्र कहीं बैठा हो। फिर छठा नंबर आता है आपका पाइसिस का। तो पाइसिस में शुक्र जो है वो आपके थर्ड हाउस का और एट्थ हाउस का लॉर्ड है। तो एट्थ हाउस और थर्ड हाउस दोनों डेथ इन्फ्लेक्टिंग हाउस हैं, ठीक है ना, बहुत डेंजरस हाउस है। तो अगर आप इसमें स्टोन पहनते हो शुक्र से संबंधित, डायमंड अगर आप पहनते हो, हीरा पहनते हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। दूसरा, पाइसिस अगर एसेंडेंट है तो पाइसिस में अगर शुक्र, अगर मान लो आपके फर्स्ट हाउस में है, तो शुक्र उचका होगा। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारा शुक्र उचका है और केंद्र में बैठा है, लगन में बैठा है, तो हम डायमंड पहन देंगे, तो इससे हो सकता है कि और ज़्यादा हम वेल्थी बन जाए, पैसे वाले बन जाए, बट ये सही नहीं है। क्योंकि इसमें शुक्र क्या है, आपके दोनों डेथ इन्फ्लेक्टिंग हाउस का लॉर्ड है, यानी आपके एट्थ हाउस और थर्ड हाउस का। तो हो सकता है कि सडन कोई ऐसा इवेंट्स हो जिसके कारण आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि हर एसेंडेंट के लिए शुक्र अगर अपनी हाई पोजिशन में भी है तो ठीक नहीं माना जाता, आपको लॉस हो सकता है। तो ये कुछ सर्टन एसेंडेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी जो और एसेंडेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया था, जैसे आपका टॉरस हो गया, लिब्रा हो गया, आपका एक जेमिनाई हो गया, वर्गो हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, एक्वेरियस हो गया, तो इस एसेंडेंट वाले लोग शुक्र से संबंधित शुक्र का स्टोन पहन सकते हैं, शुक्र चाहे कहीं भी बैठा हो। बट ये जरूर ध्यान देना कि शुक्र राहु के साथ ना बैठा हो, क्योंकि अगर राहु के साथ शुक्र बैठा है और शुक्र मान लो आपके किसी गलत घर में उसकी प्लेसमेंट है, तो राहु उस चीज़ को एम्प्लीफिकेशन दे देगा, राहु शुक्र की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, तो हो सकता है आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के शुक्र से संबंधित जो डायमंड जो स्टोन है वो पहनना चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा एसेंडेंट है और आप कौन सा स्टोन पहन सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने शुक्र को जानने की कोशिश कीजिए और अपने स्टोन्स को जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा स्टोन, कौन सा राशि स्टोन आपके एसेंडेंट के हिसाब से आपको सूट करता है। और दूसरी सबसे बड़ी ये चीज़ कि आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा नकली जेम स्टोन सप्लाई हो रहे हैं, तो वो चीज़ देख ताक के आप खरीदना। ये नहीं कि आपने, मैंने बोला है तो आप जाएंगे और सीधा डायमंड परचेज करेंगे, पहन लेंगे। तो सर्टिफाइड होना चाहिए वो, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नकली ना हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। और सबसे बड़ी एक चीज़ और कि लगन के हिसाब से ही आप स्टोन पहनना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल क्या है, पहले से ही चल रहा है कि लोग राशि के हिसाब से स्टोन पहना देते हैं, आपसे नाम पूछते हैं, आप अपना नाम बताते हैं और आपको वो स्टोन दे देते हैं, ठीक है। तो राशि के हिसाब से, नाम के हिसाब से कभी भी जेम स्टोन मत पहनिए, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हो सकता है आपकी जैसे लियो एसेंडेंट है आपका और राशि आपकी टॉरस, तो टॉरस के हिसाब से आप जेम स्टोन पहन लेंगे शुक्र का, डायमंड पहन लेंगे, और मान लो आपका शुक्र ट्वेल्थ हाउस में चला गया, सिक्स हाउस में चला गया, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो राशि के हिसाब से कभी भी जेम स्टोन मत पहनिए, अपने नाम के हिसाब से कभी भी जेम स्टोन मत पहनिए। हाँ, एसेंडेंट के हिसाब से जो आपका नाम बढ़ता है उसके हिसाब से आप जेम स्टोन पहन सकते हैं और अपने लगन लॉर्ड के हिसाब से आप जेम स्टोन पहन सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, टाटा, बाय बाय।